Oh, Ben. Wait! I don't give a damn. Oi, Oteri, 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 Oteri. Quiero ser el hombre de tu vida. Tener niños y estar en un altar. Quiero ser tu amor. Assalamualaikum, उम्मीद है कि आप सब लोग लश्पश होंगे। ये पहला मोटो व्लॉग है। ये आपने अगर पहला वाला वीडियो देखा है, लास्ट यहाँ ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, तो वो उसमें सारी स्टोरी बताई थी कि ये कोई नया नया सीन नहीं है, ये बड़ा पुराना है, 2015 की कहानी है। लेकिन कुछ मसरूफियात या फिर कुछ सुस्तियों की वजह से जो भी कह लें वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब फाइनली अब ये सब हो रहा है। ये बहुत पहले से करना था, 2015-16 से। लेकिन अगर वो आपने पूरी डिटेल देखनी है, मतलब जानना है इस बारे में, तो यहाँ ऊपर आई बटन में एक वीडियो आ रहा है, वो आप जाके देख सकते हैं। इधर कहीं पे आ रहा होगा ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक है, तो वो आप जाके देखें, उसमें आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। आज का जो हमारा प्लान है, आज हम लोग असल में जाने वाले हैं यहाँ से गुजरांवाला। हमने कहा ज़रा शॉर्ट राइड तो नहीं कहेंगे, मतलब दरमियानी राइड कहेंगे, शॉर्ट भी नहीं है, मतलब बड़ी भी नहीं है। यहाँ लाहौर से तकरीबन जिस जगह से अभी हम जा रहे हैं, ये रिंग रोड के साथ साथ जा रहे हैं। मेरे साथ है शहाब है और अब्दुलरहमान है और एक और जो है कज़न, वो हाफसाबाद में है। उससे जो है वहाँ से हमने मिलना है, मतलब मिलना नहीं, उसको वहाँ से लेना है हमने, तो इकट्ठे वहाँ से फिर हम जाएंगे। प्लान हमारा असल में ये है कि हम लोग सियालकोट स्वीट्स पर जाते हैं। आज असल में ईद का तीसरा दिन है और हमने ये सोचा कि ईद के तीसरे दिन चलते हैं। प्लान तो वैसे कल का ही था, लेकिन कल किसी वजह से नहीं हो पाया, तो हमने कहा चलो ईद के तीसरे दिन चलेंगे। वकास ने भी हमारे साथ होना था, लेकिन वकास जो है वो गांव गया हुआ है, तो उसको कोशिश की थी साथ शामिल करने की, लेकिन वो बिज़ी था वहाँ पे इस वजह से। लेकिन इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियोज़ में वकास, मैं, शहाब, अब्दुलरहमान और मोहम्मद अहमद और ये वो सारे जो हैं वो होंगे इंशाल्लाह। जैसे मैंने आपको बताया, रिंग रोड के साथ साथ जा रहे हैं, यहाँ सीधा जाएंगे अंदरून लाहौर, वहाँ से नाश्ता नुश्ता करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया। फॉर्मूला वन का कार्टिंग क्लब यहाँ बना है, ये साथ ही एयरपोर्ट के, एयरपोर्ट की बैक साइड है, ये एसकेरी 10 के साथ ही है ये। अभी हम पहुंचे हैं इधर फोर्ट्रेस के पास और यहाँ हमने बाइक चेंज किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मसा भी मुबारक। खैर मुबारक, याद आ गई साड़ी भी। मामा मैं रोज दिन याद करना तुम, लेकिन गल नहीं करता, याद करता है। कितने में असी जा रहे हैं? गुजरांवाला। मैं, शहाब और अब्दुलरहमान, दो दो बाइक्स पे व्लॉग बनाते हुए। सलाम कह दे, लोग देख रहे हैं तेरे को। मैं कह रहा हूँ व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, सलाम कह दे। तू बड़ा हरामी है। मैं ते अब वालेकुम सलाम, मैं तो लाहौर आ गया। कहाँ लाई कसम? अल्लाह की कसम मैं इतने लड़े ना कर। अल्लाह की कसम नहीं, सही बता। तू किसी, ओए मेरी बात सुन, तू किसी गाड़ी पे ना बैठी हो और उधर ही रह जहाँ पे भी है, सही है? अच्छा। अभी हम लोग माल रोड पे हैं, अभी हम निकल रहे हैं, अभी हम गुजरांवाला जा रहे हैं। मीनारे पाकिस्तान पे बेंच पे बैठा हूं। जहाँ पे है ना उधर ही बैठा रहे, अभी हम माल रोड पे हैं, हम जा उधर ही रहे गुजरांवाला। तो मैंने इसलिए नहीं पूछा, मैंने कहा शायद तूने नहीं आना होगा, क्योंकि कल बात हुई थी ना, तू कह रहा था मुश्किल है कल। यार अल्लाह की कसम मैं सिर्फ इसलिए नहीं पूछा, मैंने कहा यार ये कह रहा था कि मुश्किल है। हाँ हाँ, शहाब भी है साथ, अब्दुलरहमान भी है, तो तूने उधर ही रहे। यार वो हम निकले हुए ना, तो इसलिए नेट मेरे पास अभी ऑन नहीं था। अच्छा मैं पता क्या हूँ, अभी एग्जैक्ट जगह बता अपनी। यार मैं मनारे पाकिस्तान देखी है। हाँ देखा है। बहुत एक गेट दे नाल बैठा हाँ, इसके बैंक पे। चल टेंशन न ले, हम बस फोन। तो मैं सुबह से निकला है यार। हाँ। चलो ये आप पढ़ गए ना सर, दूर जाओ नहीं थे सर हैं। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ तू समझ नहीं रहा। वापस ना आया
और अल्लाह की कसम माल रोड में ये पीसी रोड के साथ पीसी होटल के साथ से गुजर रहे हैं, जब व्लॉग देखेगा तब भी तुझे समझ में आ जाएगी, ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है अभी तेरा। इधर ही बैठा रहे हम, बस अभी आ रहे हैं सीधा तेरे पास आ रहे हैं, उसके बाद नाश्ता नाश्ता किया हुआ है, नाश्ता भी हमने भी करना है अभी, तो नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं गुजरांवाला। ठीक है अल्लाह ऑफिस। ए वो कहाँ से, मेरा पाकिस्तान बैठा हुआ है। हाँ हाँ कैसा इत्तेफाक हुआ, हम उधर ही जा रहे हैं और अभी सामने ही है वो। अरबों का करोड़ों का व्यू, बल्कि इससे भी ज्यादा अरबों डॉलर का व्यू, ये बादशाही मस्जिद, आजादी इंटरचेंज, साथ गुरुद्वारा, साथ वो आगे किला है वो नजर नहीं आ रहा, वो क्या बात है, पाकिस्तान का फ्लैग और ये सामने मीनारे पाकिस्तान। अभी आपको जरा टाइम लैप्स दिखाते हैं खूबसूरत सा, इन 3 2 1। आप में से पता नहीं काफी सारे लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया, जब इस एरिया में आते हैं, जब भी हम लोग ट्रिप पे गए और हम लोग इस साइड से होकर जान के सब्जी मंडी वाली साइड से बाहर जाते हैं ताकि वो फील आए, और जब भी यहाँ पे आए तो हमें ये लारी अड्डा जो आपको नजर आ रहा है, ये हमें उर्दू में तो ठीक है लेकिन इंग्लिश में देखें लिखा हुआ है लोरी अड्डा, ये पता नहीं स्पेलिंग यही है या इसकी। जो लारी अड्डे वाले सामने वाले गेट है वहाँ से हमने एंट्री की और वकास इधर जो बादशाही मस्जिद जो गेट है इसके सामने पानी शानी हमने ले लिया। जब बाइक पे थे मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा मौसम अच्छा है, शहाब भी ये कह रहा था, हमें ये लग रहा था मौसम बड़ा कमाल है, लेकिन हवस का अंदाज़ा तब हुआ जब हम रुके हैं, लेकिन अभी हमने कोई मसला नहीं, बाइक पर निकलना है आगे तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ रुकेंगे वहाँ एक बार बजेगी वैसे गर्मी। तो ये वकास मिल गया हमें, इसलिए जानबूझ के हमें बहुत ज़्यादा तंग किया अंदर बाहर आ जाके, और ये साथ अब्दुल्ला हमारे, तो ये हम छोटा सा आए थे, हमने कहा जरा एक छोटा सा टाइम लैप्स लेते हैं, तो पाई खा लेगा ना पाई लेकिन शहर लगते तो खाता नहीं बंदा, ये तो बड़े आराम से खा लेगा पाई फाई वगैरह, इसलिए कोई मसला ही नहीं है। तो अभी सीधा चलते हैं, पहले नाश्ता करते हैं और फिर यहाँ से हम निकलेंगे सब्जी मंडी वाली साइड से जो मैंने आपको पहले बताया, वहाँ से सीधा हम जाएंगे यहाँ से भी गुजरांवाला। और वकास ने पहले साल की स्वीट नहीं खाई भाई, मैं गुजरांवाला पहली बार गया नहीं गया वहाँ पर स्वीट नहीं खाती। हाँ आज चलते हैं बड़ा मजा आएगा। तो अभी हम जा रहे हैं फजे के पाए, क्यों वकास? फजे के पाए ते ओ बंदा जमे नहीं जिन्ने नहीं खाए, ओ क्या जोड़ मारता। यहाँ से जो व्यू आता है ना इससे भी ज्यादा कमाल का ऊपर से आता है जो फ्लाई ओवर से। यस अबे भाई ये देखो भाई, औरंगजेब ने बनवाया था ये बादशाही मस्जिद और ये दोनों। हाँ अब मस्जिद खूबसूरत बहुत है यार, अगर यहाँ बंदा सारा दिन भी बैठा रहे ना तो मेरे ख्याल से वो बोर नहीं होगा। ये लाहौर की फेमस फूड स्ट्रीट है ना, अंदर जाके यार सुकून मिलता है। वो ये देखो ये क्या है, ये वो इसको साइड पे कर देते हैं। नहीं मुझे भी पता है सो रहा है वो बंदा, उठा के साइड पे करते बस। ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਖਾਣ ਆਏ ਸਾਂ ਅਤੇ ਪਾਏ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗੇ, ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਾਏਦਾਰ ਸਨ, ਬੜਾ ਖਾਧਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਬ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਏ ਖਾਧੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਖਾਧੇ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਏ ਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਲੱਗਣ ਡੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਏ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਵੇਖੋ ਯਹੀਂ ਸੇ ਵੀ ਹਮ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੇ ਦੇਖੇ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। तो यहाँ से भी हम निकल गए हैं बजे के पाए खा के, जो कज़न था वहाँ पे, रुक जा दो मिनट ये, तो मैं हम निकल गए यहाँ से, एक कज़न वहाँ पे वेट कर रहा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मोहम्मद अहमद जो है, तो वो वहाँ बहुत देर से वेट कर रहा है, और अभी हम लाहौर से निकल रहे हैं। और क्या हुआ तुझे? यही दो मिनट चुप करो, दो मिनट चुप करो यार, दो मिनट चुप करो, आवाज़ आ रही है वीडियो में। चलो सीधा सीधा गुजरांवाला,
ये जैसे हम शाहजहाँ से निकलते हैं दो सड़कें आगे स्प्लिट होती हैं, एक जीटी रोड को जा रही है सीधी जो कि जा रही है गुजरांवाला आगे गुजरात वजीराबाद आगे पिंडी इस्लामाबाद जेलम वगैरह, लेकिन जो दूसरी सड़क जाती है वो शेखुपुरा और फैसलाबाद वगैरह को जाती है। मैं आगे पहले मुरीद के आएगा, फिर आगे कामों की आएगा, उसके बाद जाके अभी तो कालाशाह काकू आया है, इतनी देर हो गई है हमें और अभी कालाशाह काकू पे फिर। हाँ जी इंटरकॉम, और उसको बोल आगे ले आए क्या उसको। कुत्ता भाई, कुत्ता भाई, ओबे किधर आ गया ये? ए सांप लोग आ रहे नीचे। ए किधर हो सांप तुम लोग? ए ओ सांप किधर हो? हम मुरीदकिया भी पहुंचे हैं, अभी इसके बाद कामों की आएगा और उसके बाद फिर आगे गुजरांवाला आएगा। अभी आधा सफर भी नहीं हुआ, आधा भी नहीं हुआ, ये मुरीदकिया का मेन बाजार है। अभी जो आगे बाजार आने वाला है ये कामों की है। तीन स्टॉप तो दो क्रॉस कर लिए, तीसरा आ गया। पहला था मुरीदकिया वाला जो मेन स्टॉप था, मतलब स्टॉप तो नहीं था लेकिन मतलब जो मेन एरिया था, तो उसके बाद सातों की था। अब ये सामने लिखा हुआ बोर्ड पे भी जीटी रोड N5 नेशनल हाईवे नंबर 5 खामों की। This is the Gujranwala Tool Plaza. आगे पुलिस खड़ी है, पुलिस 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 मोटरवे पुलिस हाईवे पुलिस। इस सड़क से हम पता नहीं कितनी बार गुजरे हैं, कितनी बार। ये तो हम इतना इस पर ट्रिप करते थे कि हम लोग मतलब ये तो नॉर्मल हो गया था हमारे लिए। जब हम स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब ट्रिप पे गए थे ना 2015 में,
2015 सितंबर में या अगस्त में गए थे। हाँ, फर्स्ट टाइम जब हम ट्रिप पे गए थे 2015 के अगस्त में, तब भी हम यहाँ से गए थे और ये तब हमारे लिए ऐसी सड़क थी जैसे कि पता नहीं मतलब कितना दूर आ गए घर से और कितना बाहर आ गए ये वो सारा। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा हमने इतने ट्रिप्स किए इतने किए, फिर ये हमारे लिए नॉर्मल हो गया था। ये भी हमें लाहौर ही लगता था जब हम इस तरफ आते, इतना ज़्यादा सड़क पर हमने बाइक पर ट्रिप। This is the Chandakila Chowk. अगर अंदर सीधा जाएंगे तो हम जाएंगे गुजरांवाला मेन शहर जो है, और अगर हम यहाँ उल्टे हाथ पे जाते हैं तो गुजरांवाला बाईपास, फिर हम बारो बार जो है अंदर से भी हम जा सकते हैं बाकी जगह पे, लेकिन अगर हम बाईपास से यहाँ से जाते हैं तो हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी, बाहर बाहर से निकल देंगे गुजरात के लिए आगे वज़ीराबाद जहलम खारियाँ और इस्लामाबाद वगैरह। दिस इज़ सियालकोट सीट, ये है वकास सामने। चौक जो है इसके बिल्कुल सामने, अगर आप भी यहाँ ट्राई करना चाहें, वैसे तो हम रिकमेंड करेंगे आपको करनी चाहिए, तो लास्ट भी कीजिए। मिठाई वगैरह जो ले ली है, अभी चलते हैं मोहम्मद अहमद के पास। मोहम्मद अहमद अपने दोस्त के पास ही, उसने हमें ये कहा कि मैं चला गया वापस आफ्ताबाद फिल्म बाद है वो भी। ओ माय गॉड, कोई डोडा भी करा लिया? यार पाकिस्तान का नंबर वन रसगुल्ला है। मजार तो लावा ताजिक आओ खाओ, काफी ज्यादा मजे का ये, हमने पहले बहुत बार खाया। जब भी हम यहाँ ट्रिप पे आते हैं ना, जब भी हम यहाँ से जाते हैं, मैं और सुहाब यहाँ से हमेशा जो है कई बार गए हम लोग यहाँ, तो जब भी यहाँ से गुजरे हैं तो हमेशा हम यहाँ से ये टेस्ट करते हुए जाते हैं, आते हुए भी जाते हुए दोनों बारी। अगर हम वापस आ रहे हो तब भी हम ये करते हैं, और अगर हम जा रहे हो तो तब भी हम यहाँ से टेस्ट करके जाते हैं। अगर आप भी यहाँ कभी चक्कर लगे आपका तो यहाँ लाजमी आए, ये बहुत है भी। हाँ जी अब्दुल, इसका आप ये शीरा देखे ना साइड पे, ये कितना ज़्यादा, ये डोटा जो हफ्शी हलवा ये भी बड़ा मजे का, बहुत हैवी होता है। मुझे लगा तू बड़ी जल्दी ले गया, तू वहाँ पे खड़ा हो गया। कैसा डोडा? डोडा हफ्शी हलवा कहता है कि डोडा, यकीन करो ये डोडा है ना, डोडा चाप जड़ी ना स्पेशल चकवाल है, वो तो ही बड़ा मजेदार, लेकिन इन ना और चक्सी माहौल है। नी तुझ पे ससी तुझ चीस्ते सलासा। तो भाई हमें बंदा तो मिल गया मोहम्मद अहमद, लेकिन बाइक फिर पंचर हो गई है यार। ये बाइक जो है ना, इसका कोई टायर का मसला है मुझे लगता है, वो भाई बता रहे हैं यहाँ पे है पंचर वाली। अस्सलाम वालेकुम, इधर पंचर वाली दुकान है? अच्छा, ये है जी मोहम्मद अहमद हमारे साथ, जिसका हम वेट कर रहे थे, इसने हमें तंग किया। नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है, बिल्कुल इसका बहुत इंतजार। हाँ चल रहा है, बहुत नाइस बंदा है। तो अभी देखते हैं कहाँ जाना है, लेकिन जाने लगे थे अभी, हम सोचे थे ट्यूबवेल पे जाते हैं, लेकिन यहाँ बाइक पंचर हो गया। तो मोहम्मद अहमद थोड़ा सा आगे गांव वाली साइड पे चलते हैं, ओए गांव वाली साइड पे, वहां चल, ये गर्मी बहुत है यार, एक बार नहा लेते हैं। Conoces super super bien, tú me viste y te subiste al tren. Todo vale contigo, hasta nuestros amigos se enamoran de la forma que nos ven. Enamorados somos dos, mami te lo digo, tú eres mi abrigo cuando va el sol. So ye hai janab Punjab ki khoobsurat khoobsurat sadakein hain, choti choti to nahi matlab, lekin utni badi nahi hai jaise aam shaharon mein milti hain।
लेकिन खूबसूरत चारों तरफ कह रहे दोनों तरफ दरख्त हैं, इस तरफ भी खेत ही खेत, उस तरफ भी खेत ही खेत, और इंतहाई खूबसूरत मज़ेदार। मेन शहर में तो टेबल नहीं मिलना था क्योंकि वहाँ शहरों में आपको पता है आजकल काम वो वाला माहौल है, लेकिन ये हम फिर थोड़ा सा साइड पे आए जो एक एरिया यहाँ पे आलम चौक मेन रोड पे ही, जिस रोड पे मैं आपको बता था ना बड़ा मज़ा आता है ट्रिप पे जाते हैं, तो वहाँ पे उसी रोड पे आलम चौक है, वहाँ से फिर हम लेफ्ट मुड़े और यहाँ पे आगे गाँव वाला एरिया थोड़ा स्टार्ट होता है, यहाँ हमें इंशाल्लाह मिलेगा कहीं ना कहीं टेबल। तो ठंडे होते हैं यार, बड़ी पतली हालत हो रही है फिर। Oh my God! ओ लगी सेविक नीचे तड़ल, ओ मतलब कोर लगी। ये पता नहीं कैसे लोग चलाते हैं, मेरे को तो वाकई में समझ नहीं आती, ये सेविक वाले जितने भी हैं इतनी नीचे गाड़ी हो के भी हिम्मत है भाई इनकी। ओ पैड ओए ओ मसली ए तुझे पत्थर नजर नहीं आ रहा, ऊपर चढ़ा दिया उसके ओ पत्थर ऊपर आया मेरे, पत्थर मेरे ऊपर आया वापस। यार मोहम्मद अहमद टेबल ढूंढ यार, टेबल ढूंढ, टेबल पीछे मिल गया, टेबल ही ढूंढ रहे थे हम काफी देर से। क्या खूबसूरत मंजर है भाई, वो मेरे को लगा पीछे बस आ गई। आसपास मुंजी और बीच में हम बाइक राइडिंग, ओ मिल गया टेबल, इधर तो बंदे भी हैं ब्रो। होदी वाला नहीं मिलेगा और है टेबल आसपास, होंगे मुंजी लगी हुई है आसपास में। ये वाला टेबल है जहाँ पे अभी हम आए हैं, लेकिन इसका वो होज भी छोटा है जहाँ से पानी आ रहा है, और नीचे जगह भी इतनी नहीं है नहाने के लिए, बंदे हम ज़्यादा हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अब कहीं और जाएं। यार ये क्या गड़बड़ हो रही है। ये तो तबाही सीन हो गया, शहाब लोग आगे निकल गए, मोहम्मद अहमद लोग पीछे हैं, और मैं यहाँ अकेला पानी में फंस गया ब्रो। वो रहे शहाब लोग ग्रीन शर्ट में, वो कास ओ माय गॉड, ये तो गांव में वाटर क्रॉसिंग मिल गई पहाड़ों के बजाय। ओए ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ, ज्यादा अंदर चला गया था। बोल ये तो आगे भी है, वो इधर ऐसे लग रहा तूफान आया है आगे ये लोग। ओ माय गॉड, ओ माय, ओ तेरी पानी मेरे हाथों तक आ रहा है। उनके पास 70 है, अब्दुल मनलों के पास वो जो CD-70 है उसकी सलेंसर नीचे है, उसमें पानी जा सकता है। वो कहाँ हैं शाब लोग, कहाँ गए वे, वो आ रहे हैं शाब लोग। माउंटेन की वाटर क्रॉसिंग ये कहाँ रह गए वे, वो लोग कहाँ हैं, वो लोग आएंगे पेज बाजी के। तो उनका बाइक भी सलेंसर नीचे है, वो क्या पता बंद ही हो जाए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो मुझे लगता है निकल गए आगे हमसे ना साइड से कहीं से होके। तुम लोगों को भी देख रहा था नहीं, तो मैं टांगे उठा ली थी, टांगे उठा ली थी। अच्छा टूबल ढूंढते थे, टूबल पहले मिला नहीं, जब मिला तो उस टाइम पे अंधेरा काफी हो गया था, और टूबल
का जो एरिया था, जो उसकी होदी थी वो काफ़ी छोटी थी, तो हमने कहा उस पर क्या बनाना है, तो उस पर हल्की फुल्की तारी मारी, हमने नहाई नहीं उसके अंदर प्रॉपर तरीके से। तो वहाँ से फिर हम तकरीबन वो हाफ़साबाद के करीब ही आ गया था, तो फिर हम लोग हाफ़साबाद आ गए। तो अभी मैं विकास वो हाफ़साबाद चाहब और ये भैया बैठा हुआ है, ये हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। ये पता नहीं क्या होटल का नाम है इसका, ये खाना खाने बैठे थे, खाना आया लेकिन मेरा दिमाग घूम गया, तो मैं ब्लॉग बनाना भूल गया था, तो थोड़ा सा रह गया ये, इसको कैप्चर कर ले भाई। ये बच्चे के साथ चाहिए खाना आया, हमने खाया, फुल एंजॉय किया। ये हाफ़साबाद की मशहूर एक जगह है, बाबू क्या नाम है इसका, तो बहुत ही अच्छी कढ़ाई बनाते हैं। हमने चिकन की कढ़ाई खाई, साथ नान थे, रोटियां थी और भी बोतल वगैरह थी। तो फिर हमें इजाज़त दीजिए, तो आज की वीडियो में आपने जो देखा इसको गौर से सुनिए और लाइक, और जो है कि ये मक्खी रात को भी होती है, बड़ी बात है यार, मक्खियाँ रात में होती हैं। तो बाकी गल तुहानू मज़ा आया होना, तो फिर अज के वीडियो के वास्ते सानू जाना ना प्यार ते मुहब्बत दियो, ते इजाज़त दियो, ते अल्लाह हाफ़िज़।